हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आप लोगों का सिचुएशन कुछ भी चल रहा है तो आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। अगर कुछ अच्छा चल रहा है आप दोनों के दरमियान, तो अगर एनर्जी आ जाएगी तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। बट अदरवाइज दिस इज़ अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस, फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर करिएगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा पे भी। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप जो रीडिंग की एनर्जी है वो आपके साथ एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। अपने पर्सन पर फोकस करिए और पॉजिटिव रहिए। देखते हैं उनकी क्या इमोशंस हैं करंटली, इस टाइम वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी क्या इमोशंस हैं, आज उनकी आप लोगों को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आज आपके लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव ग्रैटिट्यूड। इस टाइम मुझे इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। एंड देन वी हैव डिसिप्लिन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रहा है। And then we have trust. Bottom of the deck है imagination. So guys, इस time जो है ना आपकी ये जो person जिनके लिए आप reading को देख रहे हैं वो definitely इस time वो चाहते हैं कि आपके साथ connection जो है वो ठीक हो जाए। अगर आपके दरमियान कुछ अच्छा चल रहा है तो definitely वो बहुत ज़्यादा universe को gratitude show कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें आप जैसा person जो है अपनी life में मिला है, जैसा वो person imagine करता था अपनी life में, या जैसा उस person ने अपना mind बनाया हुआ था, या जैसा उस person ने manifest कभी किया हुआ था, उसको आपकी सूरत में वो person मिल गया है। ठीक है, और जिन लोगों का no contact है वो definitely आपके साथ connection को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप लोगों के दरमियान जो कनेक्शन में कभी भी ठीक नहीं चला, वो उस चीज़ों को सबको जो है वो एक तरह से डिसिप्लिन में लेकर चलना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से कोई कमी रह गई है तो ये डेफिनेटली अब उन चीज़ों को जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चीज़ों को बेटर करने की सिचुएशन में ये पर्सन जाना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बने, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपके दरमियान बने। ठीक है, ये पर्सन अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहा है जो कि इसको गाइड कर रही है करेक्टली कि इस पर्सन को कैसा कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहिए, क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की। इस पर्सन का इस टाइम माइंड बन गया है, दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव और आपके साथ कनेक्शन भी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों जो हो एक अच्छा कनेक्शन बना सको, जहाँ पे आप लोग दोनों लाइक इक्वली एक दोनों को ट्रीट करो, ताकि ये पर्सन जो है वो लाइक अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर सके, बिकॉज ये चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन ने पहले आप लोगों के साथ अच्छा नहीं कुछ किया, या फिर इस पर्सन ने आप लोगों की वर्थ नहीं समझी, उस चीज़ का इस पर्सन को काफ़ी बुरा फील हो रहा है और अब ये इसीलिए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अपने इनर वॉइस को बेसिकली गाइस ये सुन रहा है, जो कि इस पर्सन को बता रही है कि इसने अच्छा नहीं किया आप लोगों के साथ, इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको अच्छे से ट्रीट करना है अब इसे। तो प्रेजेंटली इस टाइम ये फील कर रहे हैं कि आप इनको अपॉर्चुनिटी दो, या यूनिवर्स इनको अपॉर्चुनिटी दे, ताकि ये आपके साथ कनेक्शन अच्छा सा बना सके। ये अपने तमाम जो भी इन्होंने माइंड सेट किया हुआ है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का, ये पर्सन उस चीज़ को फुलफिल करना चाहता है। ये चाहता है अकॉम्प्लिश करे अपना गोल को जो आपके साथ इसने पहले कभी सेट किया था। स्टार्टिंग पे आप लोग जब मिले थे डेफिनेटली यहाँ पर यही गोल था कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे, एज अ लाइफ पार्टनर रहोगे, शादी करोगे, तो ये वो उन चीज़ों को इनकम्प्लीट किया है इन्होंने, तो ये अब दोबारा से अपने उस गोल को सोच रहे हैं, जो कि इनकी अंदर की आवाज़ ने इनको बताया, ये जो भूल गए था पर्सन ये। अब देखते हैं टैरो से कि वो क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। Then we have King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. I think कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग को दो लोगों के लिए देख रहे हैं, या आपके माइंड में दो पर्सन है। Then we have Strength, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio है, Taurus, Virgo, Capricorn की एनर्जी है। इस पर्सन की एज 38 हो सकती है,
या आपकी एज 38 हो सकती है. देन वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. देन वी हैव हर्मिट. नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 39 एज हो सकती है, 33 एज हो सकती है. यहाँ पे वीरगो स्टार साइन है यहाँ पे. एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली गाइस. एंड यहाँ पे है द व्हील, सैगिटेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल्स. यस, सैगिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. ओके गाइस, सो ये जो पर्सन है इसकी एज 38 भी हो सकती है. यस, मुझे 30 प्लस की पर्सन दिख रहा है. अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से किन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, बट अदर सिचुएशन इज कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया है. जिन लोगों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट है, मैं उन यहाँ पर एनर्जी उनकी आ रही है. या तो इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, आपको काफ़ी पेन दी है. ये जिस तरीके से आपको छोड़ के गए हैं, डेफिनेटली इनको भी कोई खुशी नहीं हुई आपको छोड़ने की. इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में आके आप लोगों को छोड़ा है. वो मजबूरी किसी भी तरह की हो सकती है, डेफिनेटली आप लोगों को तो हर्ट कर दिया ना, लेकिन साथ साथ इस पर्सन ने अपने आप को भी हर्ट किया. ये भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ आपको छोड़ के. आपसे मूव ऑन करना, आपको छोड़ के जाना, एक अपनी लाइफ से ऐसे पर्सन को छोड़ के जाना जो कि उसे चाहता है, इस पर्सन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है. अब वो सिचुएशन किसी भी तरह से हो सकती है, लाइक या इसकी लाइफ में कोई और आ गया था, या आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ इवन, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया. जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा, जिस तरह से ये पर्सन वॉक अवे करके गया, आप लोग इस पर्सन से इमोशनली अटैच थे, जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से इस पर्सन ने आप लोगों को पेनफुल सिचुएशन में डाला है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके से इस पर्सन ने आप लोगों से खुद को डिटैच किया है, आप लोगों को खुद से दूर किया है, तो वो इस पर्सन के लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था. ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा, उस टाइम भी इसके लिए पेनफुल था, बट इस टाइम इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ की पेन हो रही है. ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी ग्रीफ हो रहा है इस पर्सन को आप लोगों को छोड़ने का. शायद आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत रोका हो कि ये ना आपको छोड़ के जाए, ये आपके साथ ना कनेक्शन ख़त्म करे, बट स्टिल इसने वो किया. ठीक है, बिकॉज उस टाइम ये पर्सन उस जो वो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ कर रहा था. बट अभी जो सिचुएशन चल रही है आपको छोड़ने की, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है. जिस तरह से आपको इनके इमोशनली अटैचमेंट की ज़रूरत थी, आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी इस पर्सन की, इसने वो नहीं किया, अवेलेबल नहीं रहा. तो ये वो चीज़ें इस पर्सन को अब वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उन चीज़ों का, काफ़ी बुरा फील हो रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो दैट्स वाई ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं. ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर ही अंदर ये पर्सन ट्रुथ जानने की कोशिश कर रहा है आपके. इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है, इसने आगे नहीं करना उन चीज़ों को. दैट्स वाई यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है. इसको लग रहा है कि आप लोगों को इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं रहा. ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है. पहले आप लोगों ने हो सकता है बहुत ही मुश्किल से इस पर्सन पे ट्रस्ट किया हो. शायद हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों का, मुझे लग दिख रहा है, कभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिचुएशन थी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी. बट अभी तो इस पर्सन ने खुद आपको छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को तो फील होगा ही होगा कि आप ये पर्सन तो लाइक ही नहीं है इसके कि इस पर ट्रस्ट किया जाए. और ये भी अच्छे से जानते हैं कि अब आप लोगों को इस पर्सन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल ये चाहता है कि आप इस पर्सन को मौका दो, इस पर्सन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि इनको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है बहुत बुरी तरह से. दैट्स वाई ये इमोशनली आपसे अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं. इमोशंस इस पर्सन ने अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं. ठीक है, अगर ये आपको किसी की वजह से छोड़ के गए थे तो वहाँ पर भी इस पर्सन की कुछ भी नहीं बना, क्योंकि आप किसी को रुलाओगे तो आप के आगे क्या बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो इनको भी उसकी तरफ से धोखा मिला होगा, उसकी तरफ से हर्ट मिला है, तो डेफिनेटली इनको अब आपकी याद आ रही है. ठीक है, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है किसी ना किसी तरह से, जिसकी वजह से ये पर्सन की सिचुएशन इस टाइम ये चल रही है. अब ये आपके साथ आगे कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं. ये पर्सन हो सकता है आप लोगों का वर्क प्लेस सेम हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डेली आपका इंटरेक्शन होता है. कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन भी हैं जिन्होंने हो सकता है शादी आपके साथ की हुई थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन दूसरी तरफ रंग रलियाँ मना रहा था या अपना मुँह काला कर रहा था. सिंपल वर्ड्स में तो यही बोलेंगे ना. तो आपको जब पता चला इस चीज़ का, तो डेफिनेटली यू गाइज लेफ्ट दिस पर्सन. ठीक है, तो अब इस ये पर्सन जो है अब आपके साथ कनेक्शन ठीक करना चाह रहा है, क्योंकि जब आप लोगों ने इस पर्सन को छोड़ा है तो इसने जिसके साथ कनेक्शन बनाया हुआ था वो भी इसको छोड़ गया. तो अब इसको आपकी रियलाइजेशन हो रही है
ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो अब आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, वो किसी को बीच में इन्वॉल्व करेंगे डेफिनेटली। अब वो आपकी फैमिली वाले होंगे, इस पर्सन की फैमिली वाले हो सकते हैं, जिन जहाँ पे सब बैठ के सिटिंग करेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और ये पर्सन डिस्कस भी कर रहा है कि किसी से गॉसिप हो रही है, गॉसिप इन अ सेंस कि ये पर्सन कहीं से गाइडेंस ले रहा है इसको आपके साथ दोबारा कनेक्शन ठीक करने के लिए, या आप किसी तरह से मान जो इस पर्सन के साथ कनेक्शन रखने के लिए, या दोबारा से आप मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, तो उन चीज़ों के बारे में ये गाइडेंस ले रहा है उनसे, ठीक है। और जो यहाँ पे सिंगल देख रहे हैं, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपसे इमोशंस अभी हाइड किए हुए हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैव नो एनी क्लैरिटी कि क्या आप लोग इसको अभी भी चाहते हो उस चीज़ के लिए। तो ये फील कर रहे हैं कि इसको था, आप लोगों को जब ये पर्सन छोड़ के जाएगा तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाओगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। बट इसने देखा आप लोगों को छोड़ के जब ये गया है तो आप लोगों ने अपनी उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप लोग अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाओ। अगर जो इंसान आपको रोता देखना चाहता है, आप बिल्कुल भी ना रो और उसको बताओ कि आप कितने स्ट्रोंग हो, आपके अंदर इतना वर्थ है कि आप लोग अपने आप को संभाल सकते हो। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है, अपने आप को संभाले, आप लोगों ने खुद पे वर्क किया है। जिन लोगों ने किया है उनकी बात हो रही है, जिन्होंने नहीं किया, आप लोग मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हो, आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इसने आपको छोड़ दिया था तो अब आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो सीधी बात है यहाँ पे जो आ रही है रीडिंग में। द व्हील एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है किस्मत इस पर्सन को एक और मौका दे, ताकि ये पर्सन जो है आपके साथ अपनी लाइफ कंप्लीट कर सके, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बना सके, जहाँ पे ये पर्सन और आप खुशियों से एक दूसरे के साथ रहो। तो अब ये चीज़ों को जो है ना, ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना। बट इनको ये लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अब लाइक स्ट्रॉन्ग हो गए हो पहले से। यू गाइज नो योर वर्थ वैल्यू, आप स्ट्रेंथ पावर आप में आ गई है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक आपने, आपको हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोगों ने मोटिवेट किया, इनक्रेज किया आप लोगों में, डैट्स वाई इतनी ज़्यादा जो है वो पावरफुल आप खुद को फील कर रहे हो। शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एनिमल्स की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, या इस तरह से ना आपने हेल्प स्टार्ट की है जहाँ से आप लोग पॉजिटिव रहना स्टार्ट हो गया। नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बट इन्होंने अभी अपनी इमोशंस हाइड किए हुए हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अभी जो है आप लोगों की तरफ से इस पर्सन को नहीं पता कि क्या आप चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ है भी है इनके दिल में, लाइक इन आपके दिल में इनके लिए कुछ है भी है या नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज, दैट्स वाई मेरे वर्ड्स जो हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको बोला है ना गाइस। एंड देन वी हैव डिटर्मिनेशन, इस पर्सन को लग रहा है आप लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए, आप लोगों ने अपनी लाइफ का एक पर्पस बना लिया कि अब आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ गया कि आपकी ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है, आप लोगों को वो चीज़ मिल गई है, इसीलिए अब आप लोग को वो करोगे जो आप लोगों के लिए ठीक है, जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नॉट इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस और होना भी चाहिए ज़रूरी यही चीज़ें। तो इनको लग रहा है आप लोगों की लाइफ, इसको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पॉजिटिव चल रही है, आपने अपने आप को संभाल लिया। एंड देन वी हैव आइडिएशन, ये पर्सन जो है ना आपको अपना आइडियल पार्टनर समझता है, यहाँ पे इमेजिनेशन की एनर्जी भी थी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे रिपीट हो रही है एनर्जी, इट मीन्स कि ये पर्सन स्ट्रॉन्गली ये फील कर रहा है आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे कुछ लोगों का कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग लाइक दूसरी कंट्री से हो सकते हो, या आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, यहाँ पे ये सिचुएशन भी है, तो शायद इसी वजह से आपका कनेक्शन ना बनाओ, या कुछ लोगों की शादी हो गई उसके बाद इस तरह के क्लैशेस भी आए हों, यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है। बट इनको फील हो रहा है कि अब आप लोगों का ज़िंदगी का जो मोटिव है, ज़िंदगी को गुजारने का तरीका, ज़िंदगी के बारे में सोचने का, वो टोटली इस पर्सन से डिफरेंट हो गया है। अब आप लोगों का लाइफ का गोल ही कुछ हो रहा है, इस पर्सन को फील हो रहा है, ये अभी तो इस पर्सन का एलुजन है ना, ये सारा डिज़ायर्स चल रही हैं इस पर्सन के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बारे में जो फील कर रहा है मैं वो बता रही हूँ, इट डजन मीन कि आप लोग भी ऐसे हो, कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है, कुछ लोगों की नहीं भी हो सकती। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि आपके दरमियान चीज़ें ठीक होंगी। देन वी हैव पैशन एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, इस पर्सन को हो सकता है पहले
लाइक मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद हो सकता है इसको कोई कंट्रोल कर रहा था आप लोगों के पास जाने से। जितना ज़्यादा ये पर्सन पॉजेसिव मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, जितना पैशन है, जुनून है इस पर्सन को आपको पाने का, इसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है आप लोगों की तरफ ना जाने के लिए। बट स्टिल इस पर्सन ने जो है अपने आप को उस कंट्रोल से बाहर निकाल लिया है। अब ये पर्सन वो करना चाहता है जो ये खुद इसके लिए ठीक है, इसलिए ये इस टाइम टोटली कट ऑफ हुआ हुआ है। खुद को इस पर्सन ने अकेला किया, आइसोलेट हुआ हुआ है ये पर्सन, क्योंकि ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है। काफ़ी हद तक मुझे इस पर्सन की अवेकनिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये किसी भी चीज़ को खुद भी कंट्रोल नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब जो सिचुएशन है वो अनफोल्ड हो नेचुरली, कि कोई फोर्स ना करे, इस पर्सन को भी कोई फोर्स ना करे। एंड देन यू हैव कोडिपेंडेंसी। यस, इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, ये दूर नहीं रह पा रहे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक आपके साथ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और इनको एडिक्शन ऐसी हो रही है कि जो इस पर्सन की लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर रही है, और अंदर ही अंदर गिल्ट भी हो रहा है, ठीक है ना। ये हार्ट एंड सोल से आपके साथ कनेक्शन महसूस कर रहा है इस टाइम ये पर्सन। और मैं देखूँगी आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है जिसको आपको फॉलो करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास है इम्प्रूव हेल्थ। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसको इम्प्रूव करिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। वैसे भी नीचे स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है, हो सकता है आप में से कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और इस पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड देन वी हैव अबंडेंस। यस, आपके लिए अबंडेंस है, चीज़ें पॉजिटिव आपके लिए ज़रूर होंगी, लेकिन आप लोग अपनी हेल्थ को फोकस करिए। यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 ईयर का टाइम लग सकता है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में इस पर्सन के साथ कनेक्शन ठीक होने में, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने में, लेकिन अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, ठीक है। अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।